आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के कोबजा जोगीडाट क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक जेठू खड़िया की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्या का मामला गुमला पुलिस ने सुलझा लिया है। यह जानकारी पुलिस ने प्रेस वार्ता कर दी। बता दें कि इस कांड में शामिल दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि जेठू डुगडुंग उर्फ जीतू खड़िया एवं उसके दोस्त नीरू सोरेन उर्फ नीरू सोरेन का एक ही लड़की से प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग में ही नीरू सोरेन उर्फ नीरू सोरेन एवं उसके दोस्त सोनू महतो ने जेठू खड़िया को डंडे से पीट पीट कर 2 जून को हत्या कर दी थी। हत्या के बाद परिजनों ने 3 जून को थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। हत्यारा कोई दूसरा नहीं, उसके दोस्त ही निकले। पुलिस के सामने दोनों दोस्तों ने अपना दोष स्वीकार किया है। ग्राम कोबजा जो विटान निवासी जेठू डुंगडुंग सीताकंद्रु डुंगडुंग को डंडा से मारकर हत्या कर दिया था। उसमें 2 अभियुक्त था, एक का नाम निर्युत सोरेन गांव गिंजन टांड और दूसरा सोनू महतो पिता लिब्रू महतो दोनों गिंजन टांड। इसमें यह था कि एक लड़की के साथ अभियुक्त निर्युम सोरेन और मृतक जेठू डुंगडुंग का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था, उसी को लेकर के निर्युम सोरेन और मृतक में अनबन रहता था और मनमुटाव हो गया था। उसी क्रम में नीरू सोरेन और सोनू महतो मिल करके लड़का के गांव में, मृतक के गांव में जाकर मनमुटाव के कारण उसकी हत्या कर दिया गया। दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट।